के लिए संकल्प पत्र जारी करेगी भारतीय जनता पार्टी। योगी समेत पार्टी के कई बड़े नेता मौजूद रहेंगे। बिजली को लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है भारतीय जनता पार्टी। तो आज यूपी के लिए संकल्प पत्र जारी करेगी बीजेपी। तमाम आला कमान मौजूद हो सकता है लखनऊ में, बड़े नेता मौजूद हो सकते हैं। तो आज ये संकल्प पत्र जारी करेगी भारतीय जनता पार्टी, चुनावी मैनिफेस्टो, और इसके लिए जनता से भी सुझाव मांगे गए थे। तो देखना होगा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से कितना अलग होता है भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र या चुनावी मैनिफेस्टो। और हमारे सहयोगी शेखर जुड़ चुके हैं लखनऊ से सीधा। शेखर, पहला सवाल तो यही होगा कि कितना अलग होगा कांग्रेस और समाजवादी पार्टी से अलग भारतीय जनता पार्टी का संकल्प पत्र? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र होगा उसको लेकर के जो अनुमान लगाए जा रहे हैं वो कुछ इस तरीके से हैं कि जनहित की बहुत सारी योजनाओं का इसमें समावेश होगा। चूंकि उत्तर प्रदेश में फ्री की पॉलिसी बहुत चल रही है इस समय, जैसे आप देखें 300 यूनिट किसी ने बिजली फ्री देने की बात कही है, कोई स्कूटी दे रहा है, कोई लैपटॉप दे रहा है, किसी ने स्मार्टफोन का वादा किया है। तो जाहिर सी बात है कि बीजेपी को भी अपने संकल्प पत्र में इन सारी चीज़ों का कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में समावेश करना होगा। जैसे उसने पहले भी टैबलेट और लैपटॉप का वादा किया था कुछ समय पहले, अभी दिसंबर जनवरी में उसने वितरित भी किए हैं। तो इन चीज़ों का जो आगे का काम है वो भी इस संकल्प पत्र में कहीं ना कहीं दिखाई देगा। इसके अलावा समाजवादी पार्टी की तरफ से एक 10 रुपए की थाली की बात कही गई है। तो बीजेपी जिस तरीके से अनाज वितरण कर रही है लगातार कोविड के पीरियड से, उन चीज़ों को कहीं आगे बढ़ाने की बात हो सकती है। इसके अलावा सस्ता राशन या अनाज देने की भी बात हो सकती है। इसके अलावा बहुत सारे ऐसे काम हैं जैसे रोजगार को लेकर के बीजेपी पर कई सवाल उठे हैं, तो इसको लेकर के बीजेपी अपना रोड मैप सामने रख सकती है। किस तरीके से MSME को वो बढ़ावा देगी इसकी बात कर सकती है। बीते दिनों में जो समिट हुए जिसमें इन्वेस्टमेंट समिट जो हुए उसको लेकर के बहुत सारा निवेश आया, बीजेपी उन चीज़ों को लेकर के किस तरह से आगे बढ़ने वाली है इस बात का जिक्र हो सकता है। इसके अलावा महिलाओं की सुरक्षा का एजेंडा लगातार आप देख रहे हैं कि चुनावी रैलियों में भी बीजेपी की तरफ से उठाया जा रहा है। गुंडों पर जो शिकंजा कसने की बात है, बदमाशों पर जो शिकंजा कसने की बात है, उसको बीजेपी लगातार अपने मैनिफेस्टो में उठाने की बात करती आई है। सरकार में भी उसने करके दिखाया है और आगे भी करेगी, इस तरीके की अनुमान लगाए जा रहे हैं। तो ऐसे बहुत सारे जन लोक कल्याणकारी काम हैं जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का जो संकल्प पत्र है वो आज आने को है। रमन, शेखर, क्या लोगों से भी सुझाव लिया गया था इस पूरे संकल्प पत्र को बनाने के लिए? बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। देखिए, बीजेपी ने जो अपना सदस्यता अभियान चलाया उसमें बीजेपी ने न सिर्फ अपना प्रचार किया है बल्कि डोर टू डोर कन्वेंसिंग में लोगों से उसने फीडबैक भी लिया है कि उनको सरकार कैसी लगी, उनको और क्या चाहिए, किस तरीके की दिक्कत है। तो एक तरीके का अपनी तरह का एक सर्वे इंटरनल उसने कराया है। इसके अलावा बीजेपी ने लोगों के सामने डिजिटल माध्यम से ये चीज़ खुले रूप में रखी थी। उसने कई प्रोग्राम्स चलाए बीते दिनों में ट्विटर पर, फेसबुक पे, अपनी वेबसाइट पे, जिसके जरिए उसने लोगों से सुझाव मांगे। तो इन सारी चीज़ों को वो कितना समावेशित करती है ये आपसे थोड़ी देर के बाद पता चल जाएगा जब केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कई बीजेपी के बड़े दिग्गज इस मैनिफेस्टो को, इस संकल्प पत्र को जारी करने के लिए इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान पहुंचेंगे। शेखर, आप बने रहिए, वापस लौटेंगे आपके पास, लेकिन एक बड़ी खबर का रुख करते हैं। आज जाटलैंड में हुंकार भरेंगे सीएम योगी, आखिरी दिन चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंकेंगे। मुरादाबाद, अमरोहा, गौतम बुद्ध नगर जाएंगे सीएम 1:30 बजे। ठाकुर द्वारा मुरादाबाद पहुंचेंगे सीएम योगी 1:35 से 2:10 तक ठाकुर द्वारा में करेंगे जनसभा। 2:30 बजे नौगांवा, अमरोहा पहुंचेंगे सीएम योगी। 3:40 पर जेवर, गौतम बुद्ध नगर पहुंचेंगे सीएम। 4:50 पर हिंडन एयरपोर्ट पहुंचेंगे सीएम योगी। तो आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश का धुआंधार दौरा है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का, बेहद महत्वपूर्ण। पूरा पश्चिमी उत्तर प्रदेश आता है, पिछले कई चुनाव में चाहे लोकसभा हो या फिर विधानसभा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने बढ़त हासिल की है। और सीधा इस वक्त फिर हम बात करते हैं संकल्प पत्र पर, हमारे सहयोगी शेखर लगातार जुड़े हुए हैं लखनऊ से। शेखर, कांग्रेस ने भर्ती पत्र सामने लेकर आई, कांग्रेस भर्ती के बारे में बात कर रही है। और अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बहुत सारे युवा हैं जो भर्ती होना चाहते हैं, सरकारी नौकरी का सपना देखते हैं, तो संकल्प पत्र में उनके लिए भी जरूर कुछ ना कुछ होगा भारतीय जनता पार्टी की। बिल्कुल रमन, इसमें कोई दो राय नहीं है। जैसा अभी हमने जिक्र भी किया कि बीजेपी रोजगार को लेकर के अपने मैनिफेस्टो में एक बड़ा
ऐलान जरूर करेगी। अब वो संख्या, जैसे किसी ने 10 लाख कहा, कोई करोड़ में कह रहा है, कोई कह रहा है कि हम 2 करोड़ रोजगार देंगे वगैरह वगैरह, तो बीजेपी फिगर आउट क्या करती है ये देखने वाली बात रहेगी। लेकिन इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के संकल्प पत्र में रोजगार को लेकर के, और इसके साथ साथ रोजगार का मतलब सिर्फ नौकरी ही नहीं है सरकारी, वो श्रम उद्यम अपने पैरों पर किस तरीके से लोग खड़े हो सकते हैं, वो रोजगार दे कैसे सकते हैं, इन चीजों पर कहीं ना कहीं बीजेपी का हम देख रहे हैं कि लगातार बल रहा है। कौशल विकास केंद्र तमाम एक खोले गए हैं, उनको लेकर के बीजेपी अपने घोषणा पत्र में बातों को रख सकती है, फंड को दिखा सकती है कि हम इतना फंड जो है वो एमएसएमई को देंगे या इस तरीके के स्टार्टअप्स को देंगे, इस तरीके की तमाम चीजें। अच्छा, दूसरा एक दो चीजें और बड़ी महत्वपूर्ण है, चूंकि आईटी हब बनाने की बात अखिलेश यादव ने की थी, तो निश्चित रूप से जो स्टार्टअप्स होंगे, जो आईटी सेक्टर के काम होंगे, उसको बढ़ावा देने के लिए बीजेपी की तरफ से कुछ ना कुछ बात जरूर आएगी। और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जैसा आज योगी आदित्यनाथ जा रहे हैं, आपने भी बताया चूंकि फर्स्ट फेज में वहां पर पोलिंग है, किसानों का मुद्दा वहां पर गर्म रहा है, लगातार किसानों को लेकर के बीजेपी की चिंताएं बढ़ती रही हैं आंदोलन को लेकर के। ऐसे में इस संकल्प पत्र के जरिए बीजेपी किसानों को भी कहीं ना कहीं एक बड़ा लाभ देने की बात करेगी। देखिए, पीएम की तरफ से 2,000 रुपए करके 3 जो रबी खरीफ और जायद की फसलें हैं उनके लिए 2,000 रुपए किसानों को पहले से दिए जा रहे हैं। कुछ इसी तरीके की योजना मुख्यमंत्री की तरफ से भी शुरू करने की बात है, जिसमें 1,800 रुपए या 2,000 रुपए और दिए जाएंगे, तो इस तरीके से 10 से 12,000 रुपए किसानों के खाते में वो जाएंगे। इसके अलावा अन्य चीजों को लेकर के भी बीजेपी अपने घोषणा पत्र में बात रख सकती है। गोरखपुर में आपने देखा कि खाद का कारखाना लगा, वहां से जो आउटपुट आएगा उससे खाद की दिक्कत ना हो, यूरिया की दिक्कत ना हो, इन तमाम चीजों को लेकर के बीजेपी अपने मैनिफेस्टो में सामने आएगी। रमन शेखर, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।